हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। दोस्तों, पढ़ा तो आपने पहले भी होगा, लेकिन आज जो ये वीडियो है देखने के बाद में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्य होता क्या है, कार्य की डेफिनेशन क्या होती है, कार्य की फॉर्मूला है वो क्या होते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है अब नहीं रहेगा। तो देखते हम कि कार्य की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। ये देखिए दोस्तों कि कार्य कहते किसको है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की ही दिशा में जब तक वो विस्थापित नहीं हो जाती है तब तक वो कार्य नहीं कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य होता क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, वो हम आगे इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ये देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की ही दिशा के अंदर जो विस्थापन होता है वो। ठीक है, अतः हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्य कहते किसको हैं। तो कार्य होने के लिए बल और बल की ही दिशा में विस्थापन होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाया और वो विस्थापित वहाँ से हुई नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कार्य शून्य हो जाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर बल लग रहा है और वह बल की दिशा में विस्थापित नहीं हो रही है तो विज्ञान की भाषा में उस कार्य को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। यही होता है। एग्जाम्पल हम देते हैं कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये कोई वस्तु रखी हुई है। जब तक उठकर ये वस्तु यहाँ तक नहीं आ जाती है तब तक इसको हम कार्य नहीं कह सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम फोर्स दे रहे हैं कुछ भी और ये वस्तु जब तक विस्थापित नहीं होगी तब तक इसको कार्य नहीं कह सकते हैं। तो चलिए और भी आगे इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कार्य होता है उसकी जो राशि होती है वो क्या होती है। कार्य एक खुद जो होता है वो हमेशा एक अदिश राशि होती है कार्य। ठीक है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है कि ये इसी दिशा में ही कार्य हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। इसके बाद में इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर, या फिर हम इसको एक भाषा में कहें तो इसको जूल भी कहा जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल भी कहलाता है, या फिर हम न्यूटन प्रति मीटर भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद में हम जानते हैं कार्य के बारे में और भी। तो देखिए दोस्तों, कार्य का जो एक व्यापक सूत्र होता है, व्यापक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक हम चित्र के अनुसार इसको समझेंगे। तो ये देखना आप इस डायग्राम के अंदर देखना, आपको अच्छे से और भी ज़्यादा कंसेप्ट जो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, इसके अंदर सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ से जो ये वस्तु है ये यहाँ तक विस्थापित हो रही है। ठीक है, यहाँ से वस्तु यहाँ तक विस्थापित हो रही है तभी हम इसको कार्य कह रहे हैं। यानी कि ये जो विस्थापन है, ये जो डिस्टेंस है इसने कवर की है तभी ये वस्तु जो है कार्य के अंदर कही जाती है। यहाँ से ये देखिए कि जब किसी वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर बल लगाने से वस्तु डी दूरी क्षैतिज जो विस्थापित होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ये इसका क्या है, व्यापक फॉर्मूला है। ठीक है, व्यापक जो वो फॉर्मूला है। इसके बाद में हम और भी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कार्य जो होते हैं वो इसके टाइप्स कितने होते हैं, और कार्य अलग अलग से जो भी इसका जो मान दे रखा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मैं वैल्यू बता देता हूँ कि यहाँ पर डी है, जो डब्ल्यू है, इनका क्या मतलब होता है। तो डी क्या होती है, ये दूरी होती है विस्थापन की, जिस भी दिशा के अंदर विस्थापन हुआ है उसको हम कहाँ से डी से प्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ये डब्ल्यू क्या होता है। तो डब्ल्यू हम कार्य के लिए लिखते हैं, ये अंग्रेजी भाषा के अंदर यहाँ पर लिखा जाता है। विस्थापन की दिशा में कार्यरत जो बल होता है गुणा विस्थापन, इसको ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। या फिर और अलग सी भाषा में समझें तो ये देखिए यहाँ पर, यानी कि बल एफ का क्षैतिज घटक गुणा विस्थापन, इसको हम कोस थीटा से यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि W बराबर F cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर गुणा में D, यानी कि जो भी विस्थापन होता है फोर्स के साथ में वही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो जो भी होगा इसी से हमारा जो कार्य वो निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थीटा का मान शून्य होता है, एक होता है, जो भी होगा इससे हमारा जो वो फोर्स निकाल सकते हैं हम, ये एक फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो वो देखना, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो बल जो होता है उसके प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क कितने होते हैं।
तो देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। कार्य की मुख्यतः तीन प्रकार के टाइप्स होते हैं, ठीक है। यह तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, सबसे पहली जो टाइप है वो ये होती है, धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क जिसको कहा जाता है। जब वस्तु पर लगाए गए बल का बल की ही दिशा में जो वक्र विस्थापन होता है ना, जैसे कि हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यहाँ से यहाँ, यानी कि इस साइड से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गई बल की दिशा। और विस्थापन जो हो रहा है वो विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, जिस जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि जो बल की दिशा में ही जब किसी वस्तु का विस्थापन होता है तो ये क्या होता है, धनात्मक कार्य। इसको क्या बोल सकते हैं हम, पॉजिटिव वर्क, जिसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो नेक्स्ट टाइप कौन सी होती है, नेक्स्ट टाइप होती है उदाहरण, जो इसका मैंने आपको दे के बता ही दिया, और भी आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु को जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तब व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य होगा, ठीक है। तब व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है ना वो यहाँ पर धनात्मक होगा। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है, यहाँ से उठाकर कोई भी व्यक्ति वस्तु को ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, वो धनात्मक हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के बारे में। तो दूसरे टाइप के बारे में ये होता है ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव वर्क जिसको कहा जाता है वो होता है, यानी कि वस्तु का विस्थापन वस्तु पर लगे बल के विपरीत दिशा में, ठीक है, वस्तु के ऊपर जो बल लगा हुआ है उसके विपरीत दिशा में लगता है तब उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, यानी कि ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, इसको ऊपर उठाया जा रहा है, तो बल की दिशा कौन सी हो गई दोस्तों, बल की दिशा हो गई ऊपर की साइड में। लेकिन जो वस्तु है वो वस्तु क्या कर रही है, यहाँ पर वस्तु के अंदर जो ग्रेविटी होती है यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो, देखिए वस्तु के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपको पता है कि पृथ्वी अपने ही ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। तो वस्तु के जो फोर्स होता है, वस्तु का जो विस्थापन होता है वो किस साइड होता है, वो नीचे की साइड होता है। लेकिन इसके अपोजिट जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो इसके विपरीत में जो किया गया कार्य होता है वो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर ऋणात्मक कहलाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति के द्वारा किया गया था वो तो पॉजिटिव हो गया था, लेकिन जो वस्तु के द्वारा यहाँ पर होता है वो यहाँ पर ऋणात्मक होता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो नेक्स्ट टाइप होती है वो होती है शून्य, ठीक है, शून्य वाली, यानी कि जब फोर्स की दिशा ऐसे हो, ठीक है, और वस्तु का विस्थापन ऐसे हो रहा हो, वस्तु का विस्थापन ऐसे हो रहा हो, यानी कि एक दूसरे के लंबवत जब जा रही हो, एक दूसरे के लंबवत जब वस्तुएं जाती हैं फोर्स की दिशा के, तो वो क्या होता है, वहां पर कार्य शून्य हो जाता है। यानी कि वस्तु का जो बल है वो किसी दिशा में लग रहा है, विस्थापन है वो इसी दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको कार्य नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे। आगे देखिए, आगे जो होता है वो हम करते हैं सामर्थ्य के बारे में, जिसको शक्ति भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। तो इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की दर, यहाँ पर देखिए दर, दर से यहाँ से आपको डेफिनेशन चेंज मिल जाएगी कि दर किसको कहते हैं, यानी कि एबिलिटी टू डू रेट, ठीक है, रेट टू डू एबिलिटी। यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की दर, उस कर्ता या मशीन की सामर्थ्य, यानी कि इसको सामर्थ्य को क्या कहते हैं, शक्ति या पावर भी हम कह सकते हैं, अथवा शक्ति कहलाती है। इसे पी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पावर को पी से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके बारे में आगे। तो देखिए सामर्थ्य का जो मात्रक होता है, सामर्थ्य का जो यूनिट होता है वो देखिए क्या होता है, सामर्थ्य की जो यूनिट है वो ये होती है फ्रेंड्स, देखिए कार्य का मात्रक अपॉन समय का मात्रक, ठीक है, कार्य का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। तो कार्य का मात्रक मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर से भी समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम मैंने आपको बताया था कि इसको एक भाषा में कहते हैं तो जूल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कार्य का मात्रक हो गया। इसके बाद में समय का मात्रक, आप जानते हैं कि समय का मात्रक को कभी भी मिनट में या फिर घंटे में वो यूनिट के अनुसार ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हो वो यहाँ पर सेकंड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, सेकंड के अंदर यहाँ पर लिखा जाता है। तो देखिए जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड हो गया, और इसको हम एक ही भाषा में कहें तो यहाँ पर वाट कहते हैं, ठीक है दोस्तों, वाट भी कहा जाता है। तो वाट बराबर हम अगर यहाँ पर देखें तो वाट बराबर क्या हो गया, तो वाट बराबर ये हो गया जूल प्रति सेकेंड। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं
देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सामर्थ्य होती है, जो शक्ति होती है, उसके और भी जो बड़े बड़े जो मात्रक होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। अतः सामर्थ्य जो होता है ना, यानी कि जो भी पावर होती है, उसको जूल प्रति सेकंड या फिर वाट तो कहते कहते हैं, ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। जूल प्रति सेकंड या फिर वाट इसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो शक्ति जो होती है, जो हमारा ये पावर जो होता है, इसके और भी बड़े बड़े मात्रक होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं पावर को बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सामर्थ्य के अन्य बड़े मात्रक होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, किलोवाट या फिर मेगावाट भी यहाँ पर कहा जाता है। तो किलोवाट क्या होता है दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट, या फिर 10 की घात 3, 10 की घात 3 वाट भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर ये जो 3 लगा हुआ है, ये 3 यहाँ पर ये 0 होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 1000 के आगे ये जो लिखी हुई है, यहाँ पर ये 3 जो शून्य है, इन्हीं के लिए यहाँ पर 3 लगाया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर ये देखिए 1 मेगावाट क्या होता है, तो 1 मेगावाट होता है ये 10 लाख वाट का, ठीक है। यहाँ पर हम 10 की घात 6 लिखते हैं। तो इसके बाद में जो आगे की हम बात करते हैं कि और जो बड़ी बड़ी, आप जैसे कि जानते हैं कि आपने उद्योगों में देखा होगा बड़ी बड़ी मशीन जो लगी होती हैं, वहाँ पर ये कैसे कार्य करता है, उसकी यूनिट ऐसा तो है नहीं कि वाट के अंदर वहाँ पर यूनिट को प्रेजेंट किया जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं। तो आगे देखिए, उसको जो हम कहते हैं वो ये कहते हैं, ये देखिए आप, जो भी बड़ी बड़ी जो मशीन होती हैं उसकी जो वाट की जो शक्ति है वो कैसे नापी जाती है, तो वो अश्व शक्ति के अंदर नापी जाती है। जो यहाँ पर हम वाट देख रहे हैं उसको ही ऐसे ही नापा जाता है, अश्व शक्ति के अंदर जो मशीनें होती हैं ना बड़ी बड़ी, आपने उद्योगों के अंदर देखा होगा, तो उनको, ठीक है। और उनको क्या कहा जाता है, तो वे देखिए अश्व शक्ति क्या होता है, अश्व शक्ति का मान जो होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक हॉर्स पावर बराबर इसको क्या कहते हैं, 746 वाट। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये वाट है, ये 1 किलो वाट है, 1 मेगावाट है, इसके अंदर जो वाट आ रहे थे ये बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक अश्व शक्ति का मान ही 746 वाट के बराबर है। यानी कि अगर यहाँ पर 1000 को हम देखें तो ये क्या हुआ, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग अश्व शक्ति के बराबर ही हुआ। यानी कि इतनी बड़ी यूनिट को इसने क्या कर दिया, एक छोटी सी इकाई के अंदर नाप दिया। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर, बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं, बड़े बड़े कारखाने जो होते हैं, उनके अंदर लगी हुई मशीन होती है, उनको वाट ऐसे ही नापते हैं। तो दोस्तों ये था, ये जो आगे बच गया टॉपिक उसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद में आपको पता ही है कि आपका एक टॉपिक बचा हुआ है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके अगर अब भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।